जैसा कि आपको पता है कि आपको पता चल गया होगा कि हम क्या बताने वाले हैं। वीडियो के थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आधार कार्ड जैसा राशन कार्ड यानी कि आधार कार्ड के साइज में छोटा सा राशन कार्ड किस तरह बना सकते हैं, जिसे आप जेब में भी लेकर कहीं भी जा आ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम वही जानेंगे। और उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिया था जिसे मैंने पीवीसी राशन कार्ड डाउनलोड करने के बारे में बताया था, तो ये वीडियो आप देख लीजिएगा। ये वीडियो है जिसमें मैंने आपको राशन कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया, जो अपडेट आई है, न्यू एप्लीकेशन आई है, उसमें नाम जोड़ सकते हैं, सुधार सकते हैं, मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं, अपना राशन कार्ड डाउनलोड भी पीडीएफ में एक क्लिक में कर सकते हैं। इस वीडियो को देख लीजिएगा। देखने के बाद अभी इस वीडियो की मदद से अपने राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ से डाउनलोड करने के बाद आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उस राशन कार्ड को किस तरह आप अपने आधार कार्ड के साइज में जो है आप ये कर सकते हैं, यानी कि प्रिंट कर सकते हैं, किस तरह आप उस आधार कार्ड मतलब कि उसको उस राशन कार्ड को आधार कार्ड के साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह आप उसे बॉर्डर लगाएंगे, किस तरह उसको हाई क्वालिटी में बड़ी आसानी से हम फोटोशॉप से आपको आधार कार्ड के साइज में प्रिंट करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो देख लीजिए, जिसमें मैंने आपको भारत सरकार के द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसे पूरे इंडिया के कहीं से भी तो अपना राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, नाम जोड़ सकते हैं, सुधार सकते हैं। पूरी बारीकी से हमने आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हर तरीके का डिटेल में जानकारी दिया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में एक एप्लीकेशन के बारे में बताया था, तो उसी एप्लीकेशन से मैंने यहाँ पर एक जो है अपने राशन कार्ड का स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने अपने एप्लीकेशन का होम डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लिया है। आप चाहे तो इसका पीडीएफ आप इस आइकन पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इस आइकन पे क्लिक करने के बाद जो पीडीएफ आता है वो उससे अच्छा आपको ये स्क्रीनशॉट जो स्क्रीनशॉट लेकर प्रिंट करेंगे तो आपका पीडीएफ से अच्छा राशन कार्ड ये बनने वाला है। ठीक है, अगर आप पीडीएफ प्रिंट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन पीडीएफ से अच्छा है आपके स्क्रीन पे जो राशन कार्ड दिखता है उस राशन कार्ड को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जैसे आप एप्लीकेशन पे इस पर क्लिक करेंगे इसी राशन कार्ड पे तो बैक साइड आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एप्लीकेशन के जो स्क्रीन है स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले चुका हूँ, उसी को हम राशन कार्ड प्रिंट करेंगे। अगर पीडीएफ प्रिंट करना है तो आप पीडीएफ के आइकन पे यहाँ पे डाउनलोड के आइकन है इस पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन पीडीएफ से अच्छा आपका जो स्क्रीन पे दिखता है राशन कार्ड उसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट करेंगे। हमने यहाँ पे आगे पीछे दोनों का जो स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लिया है। तो चलिए हम इस दोनों फाइल को अभी फोटोशॉप में ओपन कर लेंगे। तो देखिए हमने दोनों स्क्रीनशॉट को अपने फोटोशॉप में ओपन कर लिया है। पहले वाले स्क्रीनशॉट को हम यहाँ पे जूम कर लेते थोड़ा सा, जिससे मैं आपको आसानी से समझा सकूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे जूम कर लिया है। अब यहाँ पे हम क्रॉप टूल है, इस क्रॉप टूल को सिलेक्ट करेंगे, उसका राशन कार्ड जितना दूर है जितना है उसको हम इस तरह सिलेक्शन कर लेंगे। राशन कार्ड सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे टिक मार्क लगाएंगे या कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यह राशन कार्ड जो क्रॉप हो जाएगा हमारा। अब क्या करना है इस राशन कार्ड में, अगर आप फोटो लगाना चाहें तो लगा सकते हैं एडिट करके, क्योंकि अभी जो राशन कार्ड डाउनलोड हो रहा है उस पर कोई भी फोटो नहीं आ रहा है। अगर आपके पास फोटो है तो आप चाहें तो इस फोटो को लगा के प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। चलिए हम एक फोटो यहाँ पे लगा देते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे अभी मैं आप अपना फोटो लगाऊंगा, आपका जो राशन कार्ड है फैमिली फोटो होगा वो फैमिली फोटो को आप यहाँ पे लगा सकते हैं। मुझे जो एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने के लिए मैं ये फोटो लगा लेता हूँ, तो आप फैमिली फोटो यहाँ पे लगाएंगे। ये फोटो, इस फोटो को हम इस राशन कार्ड में ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ये फोटो आ जाएगा। इसको जूम करेंगे, जूम करने के बाद इसको यहाँ पे दोनों टिक लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे जो ये इस तरह का आ जाएगा इसको हम छोटा करेंगे, उसके बाद इसको हम छोटा करते जाएंगे और यहाँ पे अपने हिसाब से छोटा कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जितना गैप है उसके हिसाब से तो इस फोटो को अपने हिसाब से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। चलिए हम इस फोटो को यहाँ पे इस तरह छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे इशू डेट है, राशन कार्ड इशू डेट, इसे भी आप रहने दे, कोई इशू नहीं, इसको मत हटाइए। तो आप यहाँ पे देखिए फोटो का कॉल बॉक्स दिया गया है, तो इस फोटो का साइज इतना रखना है कि पीछे वाला बॉक्स जो वो जो मतलब झप जाए। चलिए हमने यहाँ पे फोटो लगा दिया है। अगर आप चाहे तो इस फोटो की फोटो को बॉर्डर भी दे सकते हैं। फोटो को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद एडिट में जाएंगे, स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको कलर है कलर पे क्लिक करेंगे, जो भी कलर का बॉर्डर देना चाहे बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप विड्थ दे सकते हैं, आप दो दे सकते हैं, तीन दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए दो दिया मैंने तो बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, दो भी दे सकते हैं, दो भी ठीक है।
अगर हम इसे चाहें थोड़ा सा कम करने तो हम इसे एक भी करके देख सकते हैं। तो आप विथ एक रखिए, देखिए विथ एक में सही आ रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, राशन कार्ड को क्रॉप कर लिया, राशन कार्ड में फोटो भी इंसर्ट कर दिया क्योंकि फोटो नहीं आ रहा है अभी, तो अगर आप चाहे तो इंसर्ट कर दो अच्छा रहेगा। फैमिली फोटो यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद ये पूरा राशन कार्ड जो इसको हम क्या करेंगे एक बॉर्डर देंगे। पूरे राशन कार्ड को बॉर्डर डालने के लिए हम यहाँ पहला टूल है सिंपली आप देख सकते पहले वाले टूल रेक्टेंगल टूल, इसको सिलेक्ट करेंगे, रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस तरह पूरे राशन कार्ड को जो फ्रंट पेज है इसको हम पूरे इस तरह सेलेक्ट करेंगे। पूरे सेलेक्ट करने के बाद हम चाहे तो एडिट पे जा सकते हैं, यहाँ पे फिर से उसी तरह आपको जाना है। ठीक, एडिट पे जाएंगे, स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे, ठीक उसी तरह विथ यहाँ पे डाल सकते हैं, दो डाल सकते हैं, एक डाल सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे एक डालते हैं और कलर यहाँ पे हम रेड रखते हैं और इसको यहाँ पे सेंटर में रखेंगे, ये सेटिंग आप देख लीजिए। उसके बाद ओके करेंगे, आप देख सकते हैं हमारा राशन कार्ड पे भी बॉर्डर चारों साइड से लग चुका है। ये हमारे बैक मतलब फ्रंट साइड हो, आगे का साइड हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम एक साइज देंगे जो कि आधार कार्ड के साइज में आएगा। तो आधार कार्ड के साइज में आने के लिए हम फिर से एडिट पे यहाँ पे इमेज पे आएंगे और यहाँ पे इमेज साइज है सिंपली से इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए अभी ये दोनों जो है एक ग्रुप एक दूसरे ग्रुप से लिंक है। हमको क्या करना है, इसको अनलिंक करना है। सिंपली इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये अनलिंक हो जाएगा। अगर ये दोनों लिंक रहता है तो जो हम ऊपर में अगर विथ डालेंगे, जो भी विथ डालेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे हाइट ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देगा। हमें इस ग्रुप को अनलिंक रखना इसलिए क्योंकि हमें विथ जो अपने हिसाब से देना है और हाइट भी हमें अपने हिसाब से देना है। अनलिंक करेंगे, यहाँ पे देखिए अनलिंक हो चुका, वो हट चुका है। अब यहाँ पे विथ हम अपने हिसाब से लिखेंगे 990 यानी कि 990 विथ डालेंगे। तो यहाँ पे विथ हमने डाल दिया 990 पिक्सल यहाँ पे रखेंगे। इसी तरह हाइट हम यहाँ पे रखेंगे 660 और इसको भी पिक्सल में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा अब राशन कार्ड का आगे का हिस्सा है ये हमारा आधार कार्ड के साइज में कन्वर्ट हो चुका है। ये आधार कार्ड के साइज में इसे हम छोटा करेंगे यहाँ से, उसके बाद फोटो को हटा देते हैं। अब यहाँ पे दूसरा स्क्रीन शॉट है जो हमारा राशन कार्ड का बैक साइड का है, इसे भी हम यहाँ पे जूम करेंगे और ये यहाँ पे पूरी फैमिली की डिटेल है, इसे भी हम क्रॉप टूल से सिलेक्ट करेंगे और इसे पूरा हम क्रॉप कर लेंगे। इस तरह क्रॉप कर चुके हैं, उसके बाद ओके बटन भी क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से हमें क्या करना है, इस पर पूरा बॉर्डर देना है। फिर से रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करेंगे, पूरे राशन कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। आप चाहे तो यहीं पे आप काट के ऊपर राइट साइड क्लिक करके यहाँ पे जा सकते हैं, चाहे तो आप इसको एडिट पे भी जाएंगे और यहाँ पे जाके आप यहाँ पे विथ डालेंगे, कलर डालेंगे और यहाँ पे जो आपका बॉर्डर लग जाएगा। तो आप देखेंगे बॉर्डर यहाँ पे लग चुका, हमने काला लगा दिया। इसको हम पहले रेक्टेंगल टूल से सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्ट्रोक और यहाँ पे कलर रेड हमने डाला, उसके बाद ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए रेड कलर का बॉर्डर लग चुका। ठीक, इसी तरह साइज करेंगे। साइज देने के लिए आपको इमेज पे आना और यहाँ पे इमेज साइज है ठीक उसी तरह 990 रखना है विथ में और 660 रखना है हाइट में। उसके बाद ओके बटन में क्लिक करेंगे तो हमारा राशन का बैग जो वो भी कंप्लीट हो चुका है। हमने दोनों कंप्लीट कर लिया, आगे का पीछे का। अब क्या करना है, मुझे हमने आगे का कंप्लीट कर लिया है, पीछे का कंप्लीट कर लिया, यानी आधार कार्ड का ये राशन कार्ड आगे फ्रंट और पीछे हमने कंप्लीट किए। हमने यहाँ पे फ्रंट वाले जो इसमें क्या किया था, एक फोटो ऐड किया था, तो फोटो ऐड किया था इसलिए हम इसको पहले सेव कर लेते हैं। आप फ्रंट का जो पेज है इसको हम सेव कर लेते हैं क्योंकि हमने इसमें एक्स्ट्रा चीज फोटो इंसर्ट किया था, इसलिए हमें इसको सेव करना पड़ेगा। फाइल पे जाएंगे, सेवर्स करेंगे और यहाँ पे इस कोई भी डेस्कटॉप हम सेलेक्ट करते हैं, कोई भी नाम डालेंगे। यहाँ पे फॉर्मेट में आपको जेपीजी रखना है, उसको नाम डाल के सेव कर देना है। हमने आगे का जो सेव कर लिया इसे हम यहाँ से कट कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं क्योंकि आगे वाले में हमने फोटो लगाया था इसलिए हमें इसे सेव करना जरूरी है। पीछे वाले में हमने कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं लगाया था इसलिए हमें सेव करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसको क्लोज करेंगे। बैक को हम वैसे ही रहने देते हैं और चलिए हम वहाँ पे जहाँ से हमने ये हमारा जो हमने सेव किया था इसको हम फिर से फोटोशॉप में ओपन करेंगे। तो हमने जो सेव किया था फाइल आगे का राशन कार्ड वो फ्रंट का वो ये वाला है और ये पीछे का है। अब मुझे प्रिंट करना है, जिसके लिए फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू क्लिक करेंगे और पेज ले लेंगे। यहाँ पे हम A4 साइज की पेज क्रिएट करते हैं, ओके करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे सामने एक सादा पेज आ चुका है। अब हम क्या करना है, पहले फ्रंट वाले जो राशन कार्ड है इसको हम ड्रैग करेंगे। ठीक है, ड्रैग किया हम यहाँ पे आ चुका। अगर हम इसे सेव नहीं करते, अगर हम ड्रैग करते तो ये सिर्फ फोटो जाता आपके साथ न्यू पेज में
या आपका पीछे फोटो हट के या पीछे का जाता है, सेव हमने किया इसलिए ये सारा चीज एक साथ जा रहा है। अगर हम इसे सेव नहीं करते, बिना सेव किए इसे ड्रैग कर दे दूसरे पेज पे, तो चाहे आपका फोटो सिर्फ उस पे जाता या फोटो को छोड़ के बाकी डिटेल आपको उस पे जाता, इसलिए हमने सेव किया। उसको सेव करने के बाद सेव फाइल को हमने यहाँ पे ड्रैग किया, तो आप देख सकते हैं एक साथ सभी यहाँ पे जा चुका है। अब इसी तरह हम यहाँ बैग को भी इस तरह ड्रैग करेंगे, उसके बगल में रखेंगे और इसको हम बड़ा करके एक बार आपको दिखा देते हैं। हमने यहाँ पे इसको बड़ा किया और इसको दोनों को हम इस तरह दोनों का मुंह मिला देंगे, तो ये हो चुका है, ये हो चुका है। अब इस हमारा राशन कार्ड जो बन चुका है, तो इस राशन कार्ड को जो आप प्रिंट कर सकते हैं, इस राशन कार्ड पे आपका जो मेरा जो डिटेल था वो डिटेल हमने हाइड कर दिया है, जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, फुल एड्रेस हाइड कर दिया था, राशन कार्ड नंबर हाइड कर दिया था, उसके बाद डीलर का नाम, राशन मतलब उसके लाइसेंस नंबर, मेंबर के नाम, उनके एज, रिलेशन, ये सब आपके राशन कार्ड पे शो करेगा कब आपका राशन कार्ड जारी हुआ। इसमें जो मेरी पर्सनल डिटेल थी वो हमने हाइड कर दिया। ये हमारा राशन कार्ड बनके रेडी हो चुका आधार कार्ड के साइज में। अभी से कंट्रोल पी कर सकते हैं, चाहे आप फाइल पर क्लिक करेंगे, प्रिंट विद प्रीव्यू करेंगे, तो आप इसे यहाँ पे देखेंगे कह रहा है कि आपका A4 साइज उसमें कहाँ प्रिंट करना है, तो ऊपर में अगर गैप दे रहा है तो इसको हम अनटिक करेंगे और इसको हम गैप को ऊपर में भर सकते हैं, यानी कि सादा पेज ना आए ऊपर। तो इस तरह आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं पेज में कहाँ पे प्रिंट करना है। अगर ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा है तो इस बॉक्स को आप अनटिक करेंगे तो आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। आप चाहे कि ऑटोमेटिक ये सिस्टम फिट कर दे हमारे पेज पे, तो यहाँ पे आपको इस वाले स्किल फॉर फिट मीडिया क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर आपका जो है फोटोशॉप जो है वो ऑटोमेटिक फिट कर देगा आपको आप डॉक्यूमेंट का आपको पेपर पे, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपसे पूछेगा आपका कौन सा प्रिंटर है, जो भी प्रिंटर आपके सिस्टम से लगा होगा और जिसमें आप प्रिंट करना चाहते तो उसको सिलेक्ट करेंगे। आप जाए तो उसकी डिटेल भी यहाँ पे कलर बैकग्राउंड कलर ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं, यहाँ पे सेटिंग आप कर सकते हैं, सभी प्रिंटर की सेटिंग ये अलग अलग होती है। ओके करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ओके करेंगे तो आपका राशन कार्ड के जो है वो आधार कार्ड के साइज में प्रिंट हो जाएगा। फिर नेमिनेशन करके आप कस्टमर को दे सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। ये पूरा प्रक्रिया था राशन कार्ड प्रिंट करने का। इसी में आप चाहे तो मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, इसी में आप चाहे तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये राशन कार्ड का स्क्रीनशॉट हमने लिया था, तो यहाँ पे देखिए एक डाउनलोड का बटन है, डाउनलोड आइकन है, तो इस डाउनलोड आइकन को आप चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो टूल लेंगे और यहाँ से कलर लेंगे व्हाइट कलर, और यहाँ पे ब्रश टूल लेंगे और यहाँ पे हम इसको ब्रश कर देंगे ताकि ये भी हट जाए। यानी कि ये जो एक तरह का कर लीजिए डाउनलोड बटन था, स्क्रीनशॉट लिया हमने इसलिए आया, ठीक पीडीएफ में ये नहीं है, तो हम इसे मिटा कर सेव कर सकते हैं। तो मिटा कर हम इसको सेव करेंगे, फिर ड्रैग करेंगे, और पीछे में भी यहाँ पे डाउनलोड आइकन दिया, इसके वो हम कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। जिसके लिए यहाँ पे हम ड्रॉप से कलर का ड्रॉप करेंगे, व्हाइट कलर, जो भी कलर है व्हाइट कलर, उसके बाद यहाँ ब्रश टूल लेंगे और उसको उसके ऊपर हम इस तरह कर्सल चलाएंगे तो वो मिट जाएगा। फिर हम मिटाने के बाद अगर हम चाहें तो इसको हम फिर इस तरह ड्रैग करके प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरह आप चाहे सभी तरह के कार्ड को, इसी तरह राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, सभी कार्ड को सिर्फ इसी तरह प्रिंट किया जाता है जो साइबर कैफे वाले करते हैं। जो हमने आपको प्रक्रिया बताया है, ये प्रक्रिया आपको कैसी लगी, कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा।